बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। ये जो मेरे हाथ में आप प्रिंट आउट देख रहे हैं, ये पेपर पे मैंने प्रिंट आउट निकाला है लेज़र प्रिंटर से, और इसको मैं डिजिटल ऑफसेट से प्रिंट करने जा रहा हूँ, वो भी बहुत अर्जेंट क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसको जो है एक में चार सेट किए हैं और ये एक 12 का साइज़ है। तो भाई सबसे पहले करना क्या है, इसको स्कैन करके इसकी हमें मास्टर कॉपी बनानी है, वही ऑप्शन जैसे कि पहले का मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। तो अब यहाँ पर कुछ करना नहीं, इसको स्कैन करना है, एक मास्टर कॉपी बनानी है उसी ऑप्शन से। और जैसा कि इस मशीन के बारे में आप जानते हैं, ये रीज़ो CV3032 मशीन है और ये स्कैन हो गया है, इसकी मास्टर कॉपी बन गई है। तो इसका एक प्रिंट निकाल कर देख लेते हैं कि कैसा प्रिंट आया है, उसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्रिंट निकल के आया गाइज, और अब ये प्रिंट को मैं चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं सही है, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्रिंट निकल के आ गया। ये दोस्तों इस समय लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, उसी का ये पंपलेट प्रिंट होने के लिए आया था, और ये भी बहुत ही अर्जेंट चाहिए था, 2-3 घंटे में देना था। तो इसको मैंने जो है यहाँ पे इस तरह से सेट कर लिया है, और ये मैं 10,000 प्रिंट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको मैंने 9,999 लगा लिया यहाँ पर, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए प्रिंट होना शुरू हो गया। अब गाइज ये जो है अभी नॉर्मल स्पीड पर चल रहा है, तो मुझे जल्दी इसको प्रिंट करना है, तो इसकी स्पीड भी मुझे बढ़ानी होगी। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि मैं पहले देख लेता हूँ रनिंग में ये कैसे प्रिंट हो रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ़ोटो जो लगे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको, जो ये पेपर लगा हुआ है, ये पेपर को हम अच्छे से जो है फोल्ड कर लेते हैं ताकि इसमें जो है इस मशीन में फंसे ना कहीं, कहीं रुके ना। तो इसको इस तरह से जो है पहले हम लोग जो है हर तरफ से इसको सारे साइड से जो है इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, ताकि हमारा पेपर जो है कहीं फंसे ना, कहीं जाम ना हो। और उसके बाद जो है इसको हम इस मशीन में लगाएंगे। तो गाइस इस वीडियो का बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर आपको अर्जेंट पंपलेट्स प्रिंट करने हो तो इस मशीन से आप आराम से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से पीछे लगा देता हूँ इस तरह से, और ये लगाने के बाद जो है इसको हम प्रिंट करेंगे। तो गाइस ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ प्लीज़ मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इसको लाइक ज़रूर कर लें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी कर लें। अब यहाँ से मैंने देखिए स्पीड बढ़ा दी इसकी, अब ये स्पीड देखिए, ये देखिए कितनी तेज़ इसकी स्पीड हो गई है। तो गाइज़ ये 1 मिनट में 100 से ऊपर ये प्रिंट कर देगा इस स्पीड में, और ये एक में चार लगे हुए हैं, ये कटने के बाद जो है अगर आप 100 प्रिंट करेंगे तो 400 तैयार हो जाएंगे कटिंग के बाद। तो गाइज ये देखिए कितनी स्पीड से ये चल रहा है। दोस्तों ये मशीन बहुत काम की है, और इस मशीन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपको अर्जेंट प्रिंट करना है कोई जॉब तो आप इसको इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, और आप कस्टमर को तुरंत प्रिंट करके इसकी जॉब जो है दे सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। इस मशीन के बारे में मैंने बताया था, ये आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये मशीन के बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो कागज़ है ये 50 GSM से भी कम का ये कागज़ है, और ये देखिए कितनी आसानी से चल रहा है दोस्तों। आप इसको 50 GSM से 250 GSM तक आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कटिंग हो रही है इसी कागज़ की जो मुझे प्रिंट करना है, अब वहाँ पे वो कटिंग हो रही है और यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। तो गाइज़ ये पंपलेट जो है इसको इस तरह से प्रिंट करते हैं, ये देखिए कितनी स्पीड से ये प्रिंट हो रहा है। इस मशीन में मैंने कई वीडियो बनाई हैं, लेकिन इस वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था कि आप लोग ये देखें कि कितनी आसानी से कितनी स्पीड में ये प्रिंट हो रहा है। तो आपको दोस्तों अगर क्वांटिटी ज़्यादा प्रिंट करनी है, वो भी अर्जेंट देनी है, तो आप इसी तरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी देख सकें। ये देखिए यहाँ पर ये लॉट पूरी प्रिंट हो चुकी है, और इसके बाद आगे भी ये प्रिंट होगी। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, ओके दोस्तों, बाय।